वाराणसी में आज IDH गज्जापुरा स्थित बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता आश्रम के कार्यालय में पावलूम बुनकरों पर हो रहे शोषण की बार बार सूचना मिल रही है। इसे लेकर MD ने आज एक कैंप का आयोजन किया ताकि इस कैंप में बुनकर आकर अपनी अपनी समस्या का समाधान करा सके। MD के इस पहल का सभी बुनकरों ने बुनकर के संगठनों और पार्षदों ने सराहना की। इस कैंप में सैकड़ों बुनकरों ने अपनी अपनी फरियाद को अपनी अपनी समस्या को रखा। उन सभी बुनकरों की समस्या का समाधान आज कैंप में CA और AC ने किया। आज इस कैंप में ज्यादा शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बुनकरों के पावलूम कनेक्शन पर ओवरलोड के नाम पर हो रहे शोषण को लेकर रहा। फ्लैट रेट के हिसाब से बिजली का बिल जमा करने के बाद भी बिल में बकाया दिखा रहा है, उस बकाए को खत्म कर जीरो एरियर करने की बुनकरों ने मांग की। समय से पहले बुनकरों के पावलूम के बिजली काट दिए जा रहे हैं, उसे बंद करने की बुनकरों ने मांग की। इस अवसर पर पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि हाजी ओकास अंसारी ने कहा कि बुनकर भाइयों ने आज अपनी जो जो समस्या को रखा है, मुझे उम्मीद है कि बुनकरों की दर्द और पीड़ा को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग के सभी अधिकारी बुनकरों की समस्या का समाधान करेंगे। इस मौके पर बुनकरों की तरफ से हाजी ओकास अंसारी और बिस्मिल्ला अंसारी ने दोनों सम्मानित अधिकारी गण को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बुनकर मौजूद थे। वाराणसी से शमीम हसन की रिपोर्ट। आज किस तरह का विद्युत कैंप का आरंभ किया गया और किस समस्याओं को सुना गया है? ये विद्युत नगरीय वितरण खंड 8 में बुनकर उपभोक्ता काफ़ी थे। हमारे संज्ञान में आया कि बुनकर जो उपभोक्ता है वो बिजली के बिल जमा करने में और जो हथकरघा विभाग से जो बिजली की से संबंधित जो छूट दी गई है उसमें कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे, तो बुनकर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया था जिससे उपभोक्ताओं को सही जो शासन आदेश है उसकी व्याख्या की जा सके, शासन आदेश के बारे में उनको अवगत कराया जा सके, वो एक नियमित तरीके से बिजली का बिल जमा कर सकें, हम उनको सुविधाएं दे सकें। प्रत्येक इतवार को और प्रत्येक वर्किंग डे को हम यहाँ पर कैंप लगा सकें, मतलब बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दे सकें, बिजली की रीडिंग नियमित रूप से करा सकें। बिजली से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारे SC साहब भी बैठे हुए हैं, तो उनका नियमित अनुश्रवण करते हैं, उसी की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर जो समस्याएं आपको अवगत कराया गया कंज्यूमर के द्वारा? उपभोक्ताओं द्वारा ये बताया गया है कि बिल हमको समय से नहीं मिल पाता है, तो उसमें हमने एक व्यवस्था की हुई है कि जो मीटर रीडर है, मीटर रीडर के साथ बिजली विभाग का भी एक कर्मचारी असिस्टेंट मीटर रीडिंग के लिए जाता है, उपभोक्ता की समस्या वहाँ पे सुनता है, बिल निकलता है। इसमें बिल में दो पार्ट होते हैं, 5 किलोवाट से कम भार वाले उपभोक्ता हैं और एक 5 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता हैं। जो शासन आदेश है उसमें यह है कि अगर 5 किलोवाट से अधिक भार वाला उपभोक्ता है उसकी हम जो रीडिंग है वो MRI की बेसिस पर करते हैं, मतलब उसमें यह है कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आदमी उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, मीटर की MRI करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा ट्रांसफर होता है सिस्टम पर, उसका बिल जनरेट होता है। उसमें यह है कि 700 रुपया प्रति हॉर्स पावर की छूट या मैक्सिमम 9100 रुपये की छूट उत्तर प्रदेश सरकार बिल पर अवेलेबल कराती है कि 5 किलोवाट से ऊपर का ये भी कनेक्शन है उसमें कितनी लूमें लगी हुई है, वो हथकरघा विभाग उसको सर्टिफाई करता है, बिल पर लिखा जाता है और उसके हिसाब से उसको उतनी छूट देते हुए बिजली का बिल जमा करा दिया जाता है। तो उसमें अधिक लोड आने पर क्या किया जाए? एक मिनट सर, पूरी बात हो, 5 किलोवाट से कम भार वाले जो उपभोक्ता हैं उसमें जो उसका बिजली का बिल दिया जाता है वो दो पार्ट में होता है। जितनी लूम हथकरघा विभाग सर्टिफाई करता है, 60 इंच की रील से अगर कम है तो उसको आधा हॉर्स पावर की मोटर मानते हुए उस पर फ्लैट चार्ज लिया जाता है, और अगर 60 इंच की से अधिक की लूम है तो उसको 1 हॉर्स पावर का भार मानते हुए उसका भार कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सर्टिफिकेशन हथकरघा विभाग करता है। तो जितने हॉर्स पावर का लोड होता है उसमें 800 रुपया पर हॉर्स पावर प्लस इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, ये मिला के 1 हॉर्स पावर का 860 रुपया बनता है और आधा हॉर्स पावर का 430 रुपया बनता है, उसके हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है। पर उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने ये कंडीशन लगा रखी है कि जो मान लो काटी मशीन है या कुछ है तो केवल 10% के बाद की उसको अधिक भार चलाने की छूट है। अब क्योंकि अगर ये अधिक भार चल रहा है, जैसे बताया गया है कि भार अधिक चल रहा है, तो उसका जो भी विभागीय नियमानुसार उसकी पेनल्टी ली जाती है, उसका जुर्माना लिया जाता है। तो उपभोक्ताओं को हमने बुनकर उपभोक्ताओं को ये समझाने की कोशिश की कि जो हथकरघा विभाग का नियम है उसी नियम के अंतर्गत आप चलें, आपका कोई भी शोषण नहीं होगा और मौके पर अधिशासी अभियंता यही हैं, एक्शन मतलब और उपखंड अधिकारी हैं, अगर मतलब बाबू या कोई नीचे का स्टाफ प्रेसिडेंट कर रहा है तो आप कृपया अधिकारी समझ समस्या का समाधान होगा, पर नियम के अंतर्गत ही चले, नियम से बाहर कोई भी छूट देने के लिए ना ये अधिकृत है ना हम लोग अधिकृत है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है, नीति है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से कार्रवाई। उपभोक्ताओं पर यदि अनियमित पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी?
उस शासन का आदेश है, उसे कोर्ट में लिखा है, किस तरह से वो पेनल्टी लगती है उस हिसाब से लगेगी। उसमें जो भी मीटर में जो डिमांड आती है, मीटर की डिमांड से पता चल जाएगा कि उसमें बाहर कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। जो 60 इंच की रील है, मतलब उसके आधा हॉर्स पावर है, 60 इंच से अधिक है तो उस पर एक हॉर्स पावर, अगर उससे अधिक बाहर चल रहा है तो मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हैं। तो उसकी चेकिंग अगर जूनियर इंजीनियर या उपखंड अधिकारी कर रहे हैं तो हमारे अधिशासी अभियंता को के ऑफिस में जाकर उस उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपना प्रत्यावेदन दे। प्रत्यावेदन सुनने के बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हैं, उसके हिसाब से।